एमडीएफ बेस को कैसे खूबसूरत डेकोर में बदला जा सकता है वो देखेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार, चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ अपर्णा। तो हमें लेना है एक एमडीएफ बोर्ड, मैंने राउंड शेप का लिया है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। प्राइमर दिया है उस पर जैसो का, आप उस पर चॉक पेंट या वाइट एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मंडाला डिज़ाइन बनाया है पेंसिल की हेल्प से, मैंने उसको ट्रेस कर लिया था बोर्ड पर। मैंने यहाँ फेविक्रिल मोल्डेड यूज़ की है, आप चाहें तो इसके अलावा वॉल पुट्टी के पेस्ट को भी कोन में भरकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर क्ले वर्क नहीं करना चाहते या कोन वर्क भी आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पर मैक्रम कॉर्ड होती है जो, उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। आपको ग्लू करने के लिए अच्छा ग्लू यूज़ करना पड़ेगा, सिलिकॉन ग्लू, या फिर आप फेविक्रिल का ही जो फैब्रिक ग्लू होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने उसको वाइट पेंट किया है, वाइट एक्रेलिक कलर से पूरे बेस को पेंट करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। मैंने यहाँ सेंटर में जो कटआउट लगाया है ये भी एमडीएफ कटआउट है, ओम, ये आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते ऐसा तो ओम शब्द जो मैंने बीच में लिखा है उसको भी आप क्ले से या मैक्रम कॉर्ड से लिख सकते हैं। इसके अलावा कलर कम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए, मुझे रेड येलो और ऑरेंज कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने उन्हीं को यूज़ किया है। बाकी तो कलर आप पे डिपेंड करता है आप कौन से कलर यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो कलर यूज़ किए गए हैं वो सारे फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स हैं, आपको एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ करने हैं। और इस तरह से वन बाय वन आप अपने डिज़ाइन में जो कलर लगाना चाहते हैं उनको लगा दें। एक बार जब ये कलर सूख जाएंगे तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो उन पे सेकंड कोट भी ज़रूर दें। यहाँ पर मैंने येलो कलर को दो बार किया है, यानी कि दो कोट दिए हैं येलो कलर के। जब ये सारे कलर सूख जाएंगे तो उसके बाद हमें इस पे वार्निश करना है। वार्निश करने के लिए आप ये देखिए इस तरह से करना है, आपको क्ले वर्क पे भी वार्निश करनी है। एक बात और मैं कहना भूल गई थी, जब हमने क्ले वर्क किया था उसके अच्छी तरह से ड्राई होने से पहले मैंने उस पर कुछ पैटर्न्स बना लिए थे। ये पैटर्न आप किसी पेन की कैप, नीडल या फिर नाइफ़ की हेल्प से दे सकते हैं और बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कैसे देने हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इंक्लाइन लाइंस के साथ कुछ पैटर्न बनाए हैं और कुछ पे डॉट डॉट देके मैंने थोड़ा एक तरह का डिप्रेशन बनाया है, क्योंकि बाद में उसका इफ़ेक्ट बहुत सुंदर आता है। वार्निश हमेशा मिरर वर्क करने से पहले करने चाहिए, क्योंकि मिरर के ऊपर वार्निश आ जाए तो वो मिरर की चमक को कम कर देगी और दिखने में इतना सुंदर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और वार्निश करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वार्निश हमारे कलर को डस्ट और दूसरी चीज़ों से बचाती है, डस्ट एंड मॉइस्चर से। तो याद रखें आपको वार्निश ज़रूर करना है और हमेशा मिरर वर्क करने से पहले वार्निश करना है। मिरर कैसे यूज़ करने हैं, किस पैटर्न में यूज़ करने हैं, ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो यहाँ पर देखिए डायमंड शेप, राउंड शेप और स्ट्रिप शेप के मिरर से ये अंदर वाले सर्कल को कंप्लीट किया है। इसके बाद मैंने जो मिरर्स लगाए हैं छोटे ड्रॉप शेप के हैं और बड़ी ड्रॉप शेप और राउंड मिरर के साथ अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। मिरर की शेप नंबर आप उस तरह से डिसाइड कर सकते हैं जैसा आपका पैटर्न होगा, आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग शेप चूज़ करें। एक बार जब आप इसको लगाने से पहले, स्टिक करने से पहले अपने डिज़ाइन पर सेट करके देख लें और फिर वहीं पर उनको उठा उठा के सेट करते रहें, दिखने में डिज़ाइन आपको पता लग जाएगा कि फाइनल कैसा लगने वाला है। मिरर्स को लिफ्ट करने के लिए आप किसी फोर्सेप या चिमटी का यूज़ कर सकते हैं, मैं तो हमेशा हाथ से ही करती हूँ, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी तरह से करें। और इसके बाद आप मिरर को सेट करने के लिए, मैं जैसे हाथ बड़े साइज़ का मिरर है तो उसको प्रेस करके यूं ही सेट कर रही हूँ, और जो छोटे साइज़ के मिरर होते हैं उसके लिए मैंने एक के नीडल जैसा टूल रखा हुआ है, उससे मैं उसको सेट करती हूँ। आप भी ऐसा कोई टूल अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एक बार जब यह मिरर का काम कम्प्लीट हो जाएगा तो मैंने यहाँ पर वाइट हाइलाइटर के साथ डिज़ाइन में डॉट्स का डिज़ाइन दिया है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करें, इससे डिज़ाइन इन्हेंस हो जाते हैं, हमारा आर्ट वर्क बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर के साथ और ब्रश के साथ भी ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा टूल है। मतलब आपको ये अपने पास वाइट एंड गोल्डन हाइलाइटर अगर आप आर्ट वर्क करते हैं तो ज़रूर रखना चाहिए, इसका इफ़ेक्ट बहुत सुंदर आता है।
वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा जो इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। कमेंट छोड़ के जाइएगा कि आपको आगे कैसे वीडियो देखने अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से हम अपने वीडियो के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं और समय आ गया है आपको फिर से एक बार कहने का कि चुनमुन क्राफ्ट्स एंड क्रिएटिविटी को अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली।